चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये चिकन लिए हैं, इससे बड़े बड़े पीस करवा लिए। ये लगभग हमारा हाफ के जी चिकन है और इसे पहले हमें मैरिनेट करने के लिए रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये दही है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और हाफ के जी चिकन बनना है तो इसमें कम से कम हमें 100 ग्राम दही डालना होगा। 2 से 3 टेबल स्पून हमें इसमें दही डालना है और दही डालने के बाद इसमें 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम जब मसाला ग्रेवी बनाएंगे उस टाइम भी हम डालेंगे, इसलिए अभी हम कम डाल रहे हैं। और इसी में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसमें हम नमक भी स्वाद अनुसार डाल के तभी मैरिनेट करेंगे। और इसमें हम डाल देंगे 1 पिंच गरम मसाला और इसे अब हम अच्छे से मिला देंगे। और इसे अच्छे से मिलाने के बाद आपके पास टाइम नहीं हो तो कम से कम 1 घंटे तो आपको रखना ही होगा रेस्ट पे। और अब हम इसे ढक के रेस्ट पे रख देंगे। हम चलते हैं बिरयानी का पहले चावल बनाने। तो इसके लिए हमने ये लगभग 300 ग्राम चावल है और इसे हमने अच्छे से धो के 1 घंटे पानी में भिगो दिया था और अब हम निकाल लिया। आप सोच रहे होंगे चावल थोड़ा पीला क्यों लग रहा है, ये एक्चुअल में ये बिरयानी राइस ही इसको बोलते हैं, बहुत लोग इसे सेला चावल भी बोलते हैं। इससे बिरयानी बहुत ही खिला खिला बनता है। ये वैसे पानी में गर्म पानी में डालने के बाद बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा। और उसके साथ में हम लेंगे कुछ सामग्री, ये हम चावल में के पानी में डालेंगे 2-3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4-5 हरी इलायची, छोटे छोटे टुकड़े स्टार और 5-6 लौंग, 1 टेबल स्पून जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची। और इसे अब हम गर्म पानी रखने के लिए रख दिए हैं होने के लिए गैस पे। अब हम उसमें इसे डालें। ये पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है तो इसी में हम इन सारे सामग्री को डाल देंगे और डालने के बाद हम इसी में डाल देंगे राइस। इसे पकाना है, बहुत ज्यादा पकाना है, इसे हाफ बॉइल ही करेंगे हम। अब हम चलते हैं बिरयानी की तैयारी करने, जिसके लिए हमें लगेगा, ये हमने लिया है 5 बड़े साइज के प्याज जिसे हमने पतले पतले चॉप करके और उसे हाथों से हमने ऐसे करके मसल के खोल दिया। और उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश धनिया की पत्ती, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने दूध में थोड़े से केसर भिगो के रखे हैं, वो केसर ये फूड कलर है, ये 2 कलर हमने रखा है, आपको मन इच्छा हो तो और भी कलर ऐड कर सकते हैं। और ये 1 नींबू साबुत नींबू और हमने लिया ये 2 बॉयल्ड आलू, इसे हम फ्राई करेंगे। और ये 3 अंडे, इसे हम फ्राई नहीं करेंगे, बस बिरयानी के अंदर डाल देंगे, पर आलू को हम फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई करने से क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर बन जाता है तो उसका टेस्ट अच्छा होता है। और कुछ रेगुलर मसाले, यही हम। और अब हम चलते हैं अपना चिकन, अभी हमारा 1 घंटा हो गया है मैरिनेट किए तो अब हम चलते हैं उसे बनाने। चावल भी हमारा बन के तैयार हो गया है। देखिए इसे हमें हाफ बॉयल ही करना है, हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हाफ बॉयल चावल हमारी तैयार है तो अब हम इसे पानी से निकाल देंगे और हमारी इच्छा होगी तो ये जो साबुत मसाले हैं इनको हम निकाल देंगे और आपकी इच्छा हो तो आप उसी में रहने दीजिए। और फिर इसे हम चावल को थाली में फैला देंगे। अब चिकन को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल रख दिए और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया तो सबसे पहले हम इसी में डाल देंगे आलू और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
जब आलू के ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाए तो उसे हम निकाल लेंगे। ये हमें हमारा आलू फ्राई हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। और इसी में हम डाल देंगे जो हमने प्याज चॉप करके रखा है, वो प्याज हम और बिल्कुल ब्राउन कुरकुरा होने तक प्याज को हम फ्राई करेंगे। और प्याज फ्राई करते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें हमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। इसे हमें बिल्कुल ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये हमारा प्याज ब्राउन होने लगा, थोड़ी सी और इसे हमें ब्राउन करनी है और गैस को हमें बिल्कुल लो कर देना है ताकि ये पूरी जले नहीं। और अब हम इसे निकाल देंगे। अब लगभग 3 टेबल स्पून इसमें तेल रह गया तो हम डाल देंगे 1 तेज पत्ता। और 1/2 टेबल स्पून जीरा। जब जीरा हमारा चटकने लगा तो इसी में हम डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था, वो चिकन। और इसे ऐसे ही फैला के हमें थोड़ी देर ढक देना है और गैस को बिल्कुल लो कर देना है। 5 मिनट हो गया है तो हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं तो इसमें से अच्छा खासा पानी भी छोड़ दिया है और हमारा चिकन अच्छे से पकना भी स्टार्ट हो गया। तो इसी में हम डाल देंगे जो हमने प्याज भून के रखा उसमें से 1/2 प्याज हम इसमें डाल देंगे और 1/2 प्याज हम बचा लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ रेगुलर मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर और नमक। हम में वो ध्यान रखना पड़ेगा कि मैरिनेट के टाइम में भी हमने नमक डाला था तो हमें नमक अपने स्वाद अनुसार ही डालना है। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये हमारा बिरयानी मसाला है, ये पूरा 1 टेबल स्पून भर के हम बिरयानी मसाला डाल देंगे। ये होम मेड बिरयानी मसाला है, अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप गरम मसाला डाल दें। और इसे हमें अच्छे से भूनना है। और इसे हमें अच्छे से मीडियम आंच गैस करके और ढक ढक के लगभग 10 से 15 मिनट तक हमें गैस पे इसे भूनते रहना होगा, बार बार बंद इसे ढक के ही भूने। लगभग 5 मिनट हो गया है तो एक बार हम देख लेते हैं। और फिर इसी में हम डाल देंगे हमारा एग।
और ऊपर से हमने जो चावल बना के रखा है उसका हम एक लेयर बिछा देंगे। देखिए हमारा चावल कितना खिला खिला है। तो एक लेयर हमने चावल का डाल दिया और चावल इसी पे जब हम एक लेयर डालने के बाद जो प्याज हमने बचा रखा था उसको हमने हाथों से क्रश कर दिया और इसे हम चारों तरफ बिखेर देंगे। और वापस से हम इस पे चावल डालेंगे और पतला लेयर डालेंगे इसके ऊपर चावल का। और जो हमने ये हमने केसर जो दूध में भिगा के रखा है उसे हम एक जगह इस साइड में डालेंगे और दूसरी साइड में हम डाल देंगे हमारा कलर। फूड कलर हमें ज़्यादा यूज नहीं करना है। अब ये तीसरी साइड में हमने ये डाल दिया तीसरा फूड कलर। अब वापस चारों तरफ हम फैला देंगे ये हमारा लेमन जूस। और बचे हुए चावल को हम और इसी में हम डाल देंगे हमारा ये आलू फ्राइड आलू। इसके भी कलर बहुत ही सुंदर निकलेंगे। और अब बचे हुए चावल को हम इसके ऊपर फैला देंगे। और लास्ट में हम इसे धनिया पत्ती से ऊपर से ग्रेस कर लें। अगर आपके पास पुदीने का पत्ता हो तो 4-5 पुदीने का पत्ती भी आप डाल दीजिए। और फिर हम इसे एक फॉइल पेपर की सहायता से अच्छे से ढक देंगे। इसके ऊपर हम इसका प्लेट रख देंगे और लास्ट में चूंकि इसे हमें बिल्कुल दबा के रखना है तो एक टोपिया में पानी लेंगे और इसे भारी तले से इसे हम ढक के अब बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 15 से 20 मिनट हमें इसे पकने देना है। 20 मिनट हो गया तो अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। और गैस को भी हमने बंद कर दिया है। और अब बारी है अब हम इस पे ऊपर से डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून घी देसी घी। और अब ये सर्व करने के लिए तैयार हो गया। मैं पहले इसे मिलाती हूँ और फिर सर्व करती हूँ। अगर आपको इसका स्वाद इसमें साथ साथ एक फूल केवड़ा ऐसे डाल सकते हैं पर हमारे घर में पसंद है। तो ये हमारी गर्मा गर्म बिरयानी तैयार है। गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल तैयार है।